सातवें वेतन आयोग की प्रतिकूल सिफारिशों, न्यू पेंशन स्कीम को समाप्त किए जाने, एफटीआई पीपीपी के माध्यम से रेलवे के निजीकरण के विरोध और अन्य मांगों के समर्थन में भारतीय रेलवे और केंद्र सरकार के कार्यालयों पर राष्ट्रीय संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर 30 दिसंबर 2015 बुधवार को राष्ट्रव्यापी विरोध दिवस मनाया गया। इसी क्रम में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन और उत्तर पश्चिमी रेलवे मजदूर संघ संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा भोजन अवकाश के दौरान मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर विशाल प्रदर्शन और आम सभा का आयोजन किया गया। यूनियन के मोहन चेलानी और संघ के आईएस जेकब ने प्रदर्शन की जानकारी देते हुए बताया, छठवें वेतन आयोग में 54% फिटमेंट का लाभ जो केंद्रीय कर्मचारियों को मिला है, इसके बदले में सातवें वेतन आयोग केवल 14.2 पे हाइक की रिकमेंडेशन दिया है और मिनिमम वेजेस में केवल 2,250 रुपए की बढ़ोतरी, जबकि उच्चतम वेतनमान में 50,000 रुपए का हाइक, यानी 1:23 रेशियो जो मिनिमम वेजेस और मैक्सिमम वेजेस का अंतराल आ चुका है, डिफरेंस आ चुका है, और 52 ऐसे भत्तों को जिसको पाने के लिए कर्मचारी संगठनों को सालों संघर्ष करना पड़ा, इन तमाम भत्तों को समाप्त करने के खिलाफ कि इस सातवें वेतन आयोग के इन विसंगतियों को दूर करने के लिए भारत सरकार के खिलाफ श्रमिक संगठनों ने एकजुट होकर आवाज बुलंद करने का काम किया है, जिसके तहत आज मंडल कार्यालय में दोपहर के लंच के भोजन अवकाश के टाइम पे संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर ये आम सभा का आयोजन हो रहे। सातवें वेतन आयोग की निराशाजनक रिपोर्ट के कारण पूरे देश के तमाम केंद्रीय कर्मचारियों में भारी असंतोष है और इसके विरोध में नेशनल काउंसिल ऑफ एक्शन के आह्वान पर देश में तमाम कोने कोने में आज सभी केंद्रीय कर्मचारियों ने विरोध दिवस मनाने का निर्णय लिया है। सातवें वेतन आयोग ने न केवल वेतन वृद्धि कम करने का काम किया है, बल्कि जो सुविधाएं केंद्रीय कर्मचारियों को मिल रही थी, जो भत्ते केंद्रीय कर्मचारियों को मिल रहे थे, जो महिला कर्मचारियों को सीसीएल के नाम से, चाइल्ड केयर लीव के नाम से जो सुविधाएं मिल रही थी, उनपे भी कटौती करने का काम किया है।